कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो आज के इस सेशन में हम करंट अफेयर्स करेंगे फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो आज अवार्ड्स पे डिस्कशन करेंगे हम, ठीक है जी। चलिए जी, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखेंगे हम नोबल प्राइज़ फॉर 2023। ये हर साल 6 फील्ड्स में दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल साइंस, इकोनॉमी, लिटरेचर एंड पीस। और ये जो अवार्ड है ये नोबल फाउंडेशन इन स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। बट द पीस प्राइज इज नॉट हेल्ड इन स्टॉकहोम बट एट ओस्लो नॉर्वे ऑन द सेम डे। जो पीस प्राइज है वो ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है, बाकी के जो प्राइज हैं नोबल फाउंडेशन इन स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा दिए जाते हैं। कैटेगरीज आपको बता दी है, तो चलिए जी देखते हैं। सबसे पहले फिजिक्स, फिजिक्स में ये अवार्ड पायरे अगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉस एंड एनी एल हुलियर को मिला है। ये मिला उन्हें फॉर एक्सपेरिमेंटल मेथड्स डेट जनरेट ऑटो सेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स इन मैटर। ये फिजिक्स में मिला है पायरे अगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉस और एनी एल हुलियर को। नाम थोड़े से पेचीदा हैं याद करने के लिए, बट इन पे एक रील बना देंगे निमोनिक के साथ, जिसमें आपको आसानी रहेगी नाम को याद करने की। सेकंड ये मिला है केमिस्ट्री में मोंगी जी वमिंदी, लुइस ई ब्रूस एंड अलेकेसी आई यकिमोव को। ये उन्हें मिला है फॉर द डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स, ठीक है जी। ये मिला है केमिस्ट्री में। और जो थर्ड है मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस में ये मिला है कैटलिन कारिको को और ड्रू वीसमैन को, ठीक है जी। ये उन्हें मिला है फॉर द डिस्कवरी कंसर्निंग न्यूक्लियोसाइड बेस मॉडिफिकेशन डेट एनेबल्ड द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव mRNA वैक्सीन अगेंस्ट COVID-19। तो COVID-19 में mRNA वैक्सीन के इफेक्टिव डेवलपमेंट के लिए उन्हें ये अवार्ड मिला है। जो फोर्थ वन है लिटरेचर के लिए, ये मिला है जॉन फोसे को फॉर हिज इनोवेटिव प्लेज एंड प्रोज विच गिव वॉइस टू द अनसेवल लिटरेरी वर्क है द अदर नेम आई एंड आई इज अनदर एंड अ न्यू नेम। उसके लिए लिटरेचर में ये अवार्ड मिला है जॉन फोसे को। और पीस में ये अवार्ड मिला है, पीस अवार्ड मिला है नरगिस मोहम्मदी को। शी इज़ फ्रॉम ईरान एंड गिव नोवल फॉर हर फाइट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ वीमेन इन ईरान एंड हर फाइट टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम फॉर ऑल। ये मिला है नरगिस मोहम्मदी को, पीस प्राइज है जो ईरान से है वो। इकोनॉमिक्स में ये अवार्ड मिला है क्लॉडिया गोल्डिन को, ठीक है जी। पहले स्टार्टिंग में 5 पीस ये नोबल प्राइज दिए जाते थे, इकोनॉमिक्स को बाद में शामिल किया गया इसमें। ये मिला है क्लॉडिया गोल्डिन को फॉर हैविंग एडवांस्ड और अंडरस्टैंडिंग ऑफ वीमेन ऑन लेबर मार्केट आउटकम्स में, ठीक है जी। अब अगर मैं बताऊं जो एक केमिस्ट्री में क्वांटम डॉट्स मिला है, ये है क्या क्वांटम डॉट्स? दीज टीनी पार्टिकल्स हैव यूनिक प्रॉपर्टी एंड नाउ स्प्रेड देयर लाइट फ्रॉम टेलीविजन स्क्रीन्स एंड LED लैम्प्स। द कैटलाइज केमिकल रिएक्शन एंड देयर क्लियर लाइट कैन इल्यूमिनेट ट्यूमर टिश्यू फॉर अ सर्जन। ये क्वांटम डॉट्स में, ठीक है जी। अगर मैं नोबल प्राइज की बात करूँ, ये दिया जाता है, दिस अवार्ड इज कन्फर्ड इन द नेम ऑफ अल्फ्रेड नोबल, जो एक स्वीडिश केमिस्ट थे, इंजीनियर और इंडस्ट्रियलिस्ट थे, मोस्टली फेमस नोन फॉर द इनोवेशन इन्वेंशन ऑफ डायनामाइट। और ये 5 फील्ड्स में दिया जाता था, जैसे मैंने आपको बताया। बाद में इकोनॉमी में स्टार्ट किया गया इकोनॉमिक्स में, तो ये सबसे पहले 1969 में दिया गया था इकोनॉमिक्स में, ठीक है जी। और हर साल होती है प्राइज सेरेमनी, ठीक है जी। और इसमें एक गोल्ड मेडल होता है 24 कैरेट का, डिप्लोमा और मॉनिटरी अवार्ड, ठीक है ना। नोबल प्राइज मॉनिटरी अवार्ड इज 11, ये अमाउंट दी हुई है यहाँ पे, ठीक है जी। अ प्राइज मे नॉट बी शेयर्ड अमंग मोर देन 3 इंडिविजुअल्स। जो ये प्राइज होता है ये 3 इंडिविजुअल से ज़्यादा में शेयर नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। बट अगर 3 से ज़्यादा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे 3 से ज़्यादा मेंबर्स है, तो वहाँ वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को दिया जा सकता है, बट ये 3 से ज़्यादा इंडिविजुअल पर्सन को शेयर नहीं किया जाएगा। इंडिया में नोबल प्राइज सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था, वो फर्स्ट एशियन भी थे जिन्हें अवार्ड मिला था 1913 में फॉर हिज लिटरेरी वर्क गीतांजलि के लिए। नेक्स्ट देखते हैं बाकी के अवार्ड्स देखते हैं अभी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शशिकांता दास हैज़ बिन अवार्डेड A+ रैंकिंग इन द ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023। तो गवर्नर है शशिकांता दास RBI के, उन्हें अवार्ड A+ रैंकिंग मिली है, ठीक है जी, इन द ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023। किसे? गवर्नर शशिकांता दास RBI के। नेक्स्ट है साखारोव प्राइज फॉर द फ्रीडम ऑफ थॉट।
ये मिला है महासा अमीनी, ये कुर्दिश ईरानियन वीमेन है जो पुलिस कस्टडी में मर गए थे, ठीक है जी। उन्हें मिला है, ईरान से है, ठीक है जी, ईरान में मरे थे वो, कुर्दिश ईरानियन वीमेन है। और ये मिला है ईरानियन वीमेन प्रोटेस्ट मूवमेंट को, अवॉर्डेड द यूरोपियन यूनियन साखारोव प्राइज़ फॉर द फ्रीडम ऑफ थॉट। इट इज़ द यूरोपियन यूनियंस टॉप ह्यूमन राइट प्राइज़। कौन सा? साखारोव प्राइज़ फॉर द फ्रीडम ऑफ थॉट, महासा अमीनी और ईरानियन वीमेन प्रोटेस्ट मूवमेंट को मिला ये। नेक्स्ट है कैनेडा इंडिया फाउंडेशन CIF अवार्ड, ये मिला है रिनाउंड ऑथर फिलेंथ्रोपिस्ट एंड द वाइफ ऑफ इन्फोसिस को फाउंडर NR नारायण मूर्ति की वाइफ है सुधा मूर्ति, उन्हें मिला ये। वॉज ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस ग्लोबल इंडियन अवार्ड बाय द कैनेडा इंडियन फाउंडेशन CIF एट अ ग्रैंड इंडो कैनेडियन गाला इन टोरंटो, ठीक है जी। वैल्यू है $50,000 की, ये हर साल दिया जाता है एनुअली। प्रेजेंटेड टू एन आउटस्टैंडिंग इंडियन पर्सनैलिटी हु हैज़ लेफ्ट एन इनडेलिबल मार्क इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड। किसे मिला ये सुधा मूर्ति हैं, ठीक है जी, इन्फोसिस के को फाउंडर है NR नारायण मूर्ति, उनकी वाइफ सुधा मूर्ति को ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट आ जाइए टाटा लिटरेचर लाइव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये मिला है तमिल राइटर अम्बाई को। अम्बाई हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द टाटा लिटरेचर लाइव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डेट रिकोगनाइजेज एंड सल्यूट्स सस्टेंड एंड आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू राइटिंग एंड लिटरेचर इन इंडिया। किसे मिला ये? तमिल राइटर है अम्बाई। नेक्स्ट है बाल साहित्य पुरस्कार 2023, दिस टाइम द ऑनर हैज़ बीन कन्फर्ड अपन दिलीप नोंगमैथम एन अकॉम्प्लिश्ड ऑथर इन द मणिपुरी लैंग्वेज। मणिपुरी लैंग्वेज के ऑथर हैं दिलीप नोंगमैथम, उन्हें मिला ये अवार्ड बाल साहित्य पुरस्कार 2023 फॉर हिज रिमार्केबल वर्क टाइटल इबेमा आमासुंग नगाबिमा, ठीक है जी, नाम थोड़ा सा है बट याद कर लीजिएगा, इबेमा आमासुंग नगाबिमा। फॉर इंग्लिश लिटरेचर इट इज़ गिवन टू द सुधा मूर्ति, ठीक है जी, ये इंग्लिश लिटरेचर में मिला है सुधा मूर्ति को। अभी अभी सुधा मूर्ति के बारे में हमने और भी किया था, उन्हें कौन सा अवार्ड मिला है ये मेरे को कमेंट्स में बताइएगा। फॉर ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज के लिए मिला उन्हें। और हिंदी लिटरेचर में ये मिला है सूर्यनाथ सिंह फॉर कोटुक ऐप। और मराठी लिटरेचर में ये दिया गया है एकनाथ अवहद को फॉर चंद देई आनंद, ठीक है जी। ये अवार्ड दिया जाता है साहित्य अकेडमी इंस्टीट्यूट के द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार 2023। तो इसके जो ये विनर हैं ये जो मैंने बताया है, ठीक है जी, तो ये याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। दिलीप नोंगमैथम थे मणिपुरी लैंग्वेज के लिए और उनको मिला था इवेमा अमासुंग नगाबेमा के लिए। इंग्लिश लिटरेचर में ये मिला था सुधा मूर्ति को फॉर ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज के लिए। हिंदी लिटरेचर में ये सूर्यनाथ सिंह को मिला था कोट ऐप के लिए। और मराठी लिटरेचर में ये मिला था एकनाथ अवध को फॉर चांददेई आनंद के लिए। साहित्य अकेडमी इंस्टीट्यूट के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, ये जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड, ये मिला है रियोंड हॉलीवुड एक्टर मिचेल डगलस को। उन्हें ये अवार्ड मिला है प्रेस्टिजियस सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अचीवमेंट एट 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल टू बी हेल्ड इन गोवा। गोवा में हुआ था 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो ये अवार्ड किसे मिला है? हॉलीवुड एक्टर है माइकल डगलस को, ठीक है जी। अबाउट द सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, द सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इंस्टीट्यूटेड इन द 30th फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ठीक है जी, 1999 में ये दिया जाता है। इट इज़ प्रेजेंटेड टू इंडिविजुअल हुज एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशंस हैव सिग्निफिकेंटली एनरिच द एंड एलिवेटेड द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा। और जो माइकल डगलस है इन्हें दो एकेडमी अवार्ड्स भी मिले हैं, 5 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स भी मिले हैं और एमी अवार्ड भी मिला है, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, डच स्पिनोजा प्राइज 2023, डॉक्टर ज्योता गुप्ता को मिला है। इंडियन ओरिजिन प्रोफेसर है, कहाँ पे? यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टरडेम में। हैज़ बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस डच स्पिनोजा अवार्ड प्राइज फॉर हर ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ क्लाइमेट चेंज। दिस अवार्ड इज़ द हाइएस्ट साइंटिफिक अवार्ड इन नीदरलैंड। तो ये नीदरलैंड का हाइएस्ट साइंटिफिक अवार्ड है डच स्पिनोजा अवार्ड। ये मिला डॉक्टर ज्योता गुप्ता को, इंडियन ओरिजिन प्रोफेसर हैं, कहाँ पे? यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टरडेम में। नेक्स्ट आ जाओ 32nd सरस्वती सम्मान फॉर द ईयर 2020, सम्मान फॉर द ईयर 2022, सम्मान है भाई, ठीक है, थोड़ी दिक्कत हो जाती है। ये मिला है ऑथर एंड एक्टिविस्ट शिवा सनकारी को।
एक्टिविस्ट शिवा सनकारी वॉज ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस सरस्वती सम्मान फॉर द ईयर 2022 फॉर हर मेमोर रिटन इन तमिल सूर्यवंशम एट द नेशनल म्यूजियम इन दिल्ली। ठीक है ना, अबाउट सरस्वती सम्मान, तो थोड़ा सा सम्मान पढ़ दिया था, ये पॉलिटी के कारण कई बार दिक्कत हो जाती है, ठीक है जी, समझ लीजिएगा। सरस्वती सम्मान इंस्टीट्यूटेड बाय द के बिरला फाउंडेशन, ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, 1991 में स्टार्ट किया गया था। इट इज़ रिकॉग्नाइज एज द मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड इन द कंट्री। 15 लाख की अवार्ड मनी होती है इसमें, ठीक है जी, एक सिटेशन होता है और एक प्ले होता है इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं, अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप बाय हार्वर्ड लॉ स्कूल, ये मिला है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को, ठीक है जी, ये एन डिस्टिंग्विश्ड एलुमिनस ऑफ हार्वर्ड लॉ स्कूल वॉज बेस्टोड विद द प्रेस्टिजियस अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप बाय हिज इंस्टीट्यूशन। दिस रिकॉग्निशन स्टैंड्स एज अ टेस्टामेंट टू हिज एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द फील्ड ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिया गया है, ये मिला किसे है, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को मिला है, ठीक है जी। 2023 USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड फॉर फिलेंथ्रोफी एंड कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये अवार्ड नीता अंबानी को मिला है, को फाउंडर एंड चेयर ऑफ रिलायंस फाउंडेशन वॉज ऑनर्ड विद द 2023 USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड फॉर फिलेंथ्रोफी एंड कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये अवार्ड प्रेजेंट, दिस अवार्ड वॉज प्रेजेंटेड बाई जॉन चैम्बर्स, चेयरमैन ऑफ USISPF। ये मेरे को आप फुल फॉर्म बताइएगा, US इंडिया SPF, इसकी USISPF की फुल फॉर्म आप मेरे को बताइएगा कमेंट्स में। तो ये थे अवार्ड्स आज के लिए, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम डिफेंस करंट अफेयर्स के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है जी। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल ई तक्षशिला क्लासेस। थैंक यू दोस्तों एंड जय हिंद।